बस्ती में तैनात थे। फौजी अफसर की जिंदगी कैसी होती है ये सभी जानते हैं। सुबह सैनिक शिक्षा, घुड़सवारी, रेजिमेंट के कमांडर के घर या किसी यहूदी के भटियार खाने में दिन का भोजन, शाम को शराब और ताश। उस बस्ती में ना तो किसी घर के दरवाजे हमारे लिए खुले थे और ना मोहब्बत करने लायक कोई जवान लड़की ही थी। हम एक दूसरे के यहाँ एकत्रित होते, जहाँ अपनी वर्दियों के अलावा और कुछ भी देखने को ना होता। हमारे हलके के लोगों में सिर्फ एक ही असैनिक व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और हम उसे बुजुर्ग मानते थे। जीवन के कहीं अधिक अनुभव की दृष्टि से वह हमसे बढ़ चढ़कर था। इसके अलावा उस पर छाई रहने वाली सामान्य उदासी, उसकी तुनक मिजाजी और जहरीली जुबान ने भी हम जवान लोगों के दिल दिमाग पर उसकी काफी धाक जमा दी थी। उसका जीवन किसी रहस्य से घिरा सा था। वह रूसी प्रतीत होता था, मगर उसका नाम विदेशी था। कभी वह हुस्सार घुड़ सेना में रह चुका था और वहां उसने अच्छी सफलता भी पाई थी। किस कारण उसने सेना से इस्तीफा दिया और वह इस छोटी सी बस्ती में आ बसा, यह कोई नहीं जानता था। यहाँ वह एक साथ ही फटेहाल और बड़े ठाट से भी रहता। हमेशा पैदल चलता, फटा पुराना काला फ्रॉक कोट पहनता, मगर हमारी रेजिमेंट के सभी अफसरों के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखता। यह सही है कि उसके यहाँ खाने की मेज पर दो या तीन चीजें ही होती जिन्हें एक भूतपूर्व सैनिक तैयार करता था, मगर दूसरी ओर शैंपेन की नदी बहती रहती थी। किसी को यह मालूम नहीं था कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी आमदनी कितनी है, और कोई भी उससे यह पूछने की जरूरत नहीं करता था। उसके यहाँ बहुत सी किताबें थी, अधिकतर सेना संबंधी और उपन्यास। वह खुशी से उन्हें पढ़ने के लिए दूसरों को देता, मगर कभी वापस ना मांगता और खुद भी किसी से ली हुई पुस्तक ना लौटाता। पिस्तौल से गोलियां चलाना यही उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी थी। उसके कमरों की दीवारें गोलियों से छलनी हो गई थी और मधुमक्खियों के छत्तों की भांति लगती थी। वह जिस कच्चे घर में रहता था उसमें सिर्फ बढ़िया पिस्तौलों का बड़ा संग्रह ही विलासिता का द्योतक था। निशानेबाजी में तो उसने ऐसा कमाल हासिल कर लिया था कि अगर वह किसी की टोपी पर नाशपाती रखकर उसे बेधने की इच्छा प्रकट करता तो हमारी रेजिमेंट का कोई भी अफसर किसी प्रकार की दुविधा के बिना उसके सामने अपना सिर पेश कर देता। हमारे बीच बहुधा द्वंद्व युद्ध की चर्चा चलती, किंतु सिल्वियो, हाँ हम उसे यही नाम देंगे, उसमें कभी दिलचस्पी जाहिर ना करता। यह पूछने पर कि उसे कभी द्वंद्व युद्ध करना पड़ा या नहीं, वह रुखाई से हामी भरता, मगर कभी भी उसकी तफसीलों में ना जाता। उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट हो जाता कि ऐसे सवाल उसे नापसंद हैं। हम ऐसा मानने लगे थे कि कोई किस्मत का मारा उसकी निशानेबाजी के भयानक कमाल का शिकार हुआ है और यही चीज उसकी आत्मा को कचोटती रहती है। उसमें कायरता जैसी कोई बात हो इसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों की शक्ल सूरत ही ऐसे संदेह को पास नहीं फटकने देती। किंतु तभी एक अप्रत्याशित घटना ने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन हमारे कोई 10 अफसर सिल्वियो के यहाँ भोजन कर रहे थे। सदा की भांति पिलाई हो रही थी, खूब जमकर शराब पी जा रही थी। भोजन के बाद हम अपने मेजबान से आग्रह करने लगे कि वह हमारे साथ ताश खेले और खजांची बन जाए। वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा क्योंकि लगभग कभी ताश नहीं खेलता था। आखिर उसने ताश लाने को कहा। 10-10 रूबल के 50-1 सिक्के मेज पर डाल दिए और पत्ते बांटने लगा। हम उसे घेर कर बैठ गए और खेल शुरू हो गया। खेल के वक्त बिल्कुल चुप रहना सिल्वियो की यह आदत थी। वह न तो किसी से बहस करता था और न किसी बात की सफाई देता था। अगर दांव लगाने वाला कोई गलती कर देता तो वह या तो बकाया रकम तुरंत अदा कर देता या उसे लिख लेता। हम यह जानते थे और उसे अपनी मनमर्जी के मुताबिक खजांची का काम पूरा करने देते थे। किंतु हमारे बीच एक ऐसा अफसर भी था जो कुछ ही समय पहले बदली होकर यहाँ आया था। उसने खेलते हुए बेख्याली से एक पॉइंट बढ़ा दिया। सिल्वियो ने खड़िया ली और अपने ढंग से हिसाब को ठीक कर दिया।
अफसर यह मानते हुए कि सिल्वियो ने कुछ हेराफेरी की है, उससे उलझने लगा। सिल्वियो चुपचाप पत्ते बांटता रहा। अफसर के सब्र का प्याला छलक गया और उसने ब्रश लेकर वे आंकड़े मिटा दिए जिन्हें वह व्यर्थ समझता था। सिल्वियो ने खड़िया लेकर उसे फिर से लिख दिया। शराब, खेल और साथियों की हंसी से बौखलाए हुए अफसर ने मेज से तांबे का शमादान उठाया और सिल्वियो पर दे मारा। सिल्वियो किसी तरह से एक और को हटकर चोट से बच गया। हम सभी परेशान हो उठे। सिल्वियो उठकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी आंखों से लपटे सी निकल रही थी। उसने अफसर से कहा, महानुभाव, अब यहां से चले जाइए और इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए कि यह घटना मेरे घर में घटी है। इस किस्से का क्या नतीजा होगा, हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं था और हम यह जानते थे कि हमारे इस नए साथी की मौत पत्थर की लकीर है। अफसर यह कहकर बाहर चला गया कि खजांची महोदय जब और जैसे भी चाहें अपने इस अपमान का बदला ले सकते हैं। खेल कुछ देर तक और चलता रहा, किंतु यह अनुभव करते हुए कि हमारे मेजबान का मन अब खेल में नहीं लग रहा। हमने एक एक करके उनसे विदा ली और शीघ्र ही रिक्त होने वाले स्थान की चर्चा करते हुए अपने अपने क्वार्टरों की ओर चले गए। अगले दिन हम घुड़सवारी के मैदान में यह पूछताछ कर ही रहे थे कि किस्मत का मारा लेफ्टिनेंट जिंदा है या नहीं, कि तभी वह खुद सामने आ गया। हमने उससे भी यही पूछा कि उसके साथ क्या बीतने वाली है। उसने उत्तर दिया कि सिल्वियो की ओर से उसे कोई सूचना नहीं मिली है। हमें इससे बड़ी हैरानी हुई। हम सिल्वियो के यहाँ गए, उसे अहाते में पाया और देखा कि वह फाटक पर चिपकाए हुए इक्के पर एक के बाद एक गोली दागता जा रहा है। वह हर दिन की तरह हमसे मिला और पिछले दिन की घटना के बारे में उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। 3 दिन बीत गए और लेफ्टिनेंट अभी भी जिंदा था। हम हैरान होते हुए एक दूसरे से पूछते, क्या सिल्वियो उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती नहीं देगा? किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अफसर के मामूली सी माफी मांग लेने पर ही वह संतुष्ट हो गया और उसने उससे सुलह कर ली। युवाजन की दृष्टि में यह सिल्वियो के सम्मान को बड़ा धक्का लगने वाली बात थी। जवान लोग कायरता को सबसे कम क्षमा करते हैं, वीरता को सबसे बड़ा गुण मानते हैं और सभी तरह की कमजोर त्रुटियों को इसके लिए माफ कर देते हैं। किंतु धीरे धीरे यह भूली बिसरी बात हो गई और सिल्वियो ने हमारे बीच फिर से पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। एक मैं ही ऐसा था जो उसके निकट नहीं हो पाया। स्वभाव से ही रोमानी कल्पना का धनी होने के कारण मैं औरों की तुलना में इस व्यक्ति के प्रति, जो किसी रहस्यमय उपन्यास का नायक प्रतीत होता था, कहीं अधिक लगाव रखता था। वह भी मुझे चाहता था। कम से कम वह मेरे साथ अपने सामान्य जले कटे अंदाज में नहीं बल्कि खुश मिजाजी और असाधारण मधुरता से विभिन्न विषयों की चर्चा करता था। किंतु उस बुरी शाम के बाद यह विचार किसी प्रकार भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता था कि उसका अपमान हुआ था, कि इस धब्बे को धोने के लिए उसने कुछ नहीं किया था, और यह विचार पहले की भांति मेरे उसके साथ घुलने मिलने में बाधा डालता था। उससे नजर मिलाते हुए मुझे झेप महसूस होती थी। सिल्वियो अत्यधिक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति था और ऐसा नहीं हो सकता था कि इस बात की ओर उसका ध्यान न जाता और वह इसका कारण न समझ पाता। मुझे लगा कि इससे उसके मन को दुख होता है। कम से कम एक दो बार तो मैंने ये देखा ही है कि वह मुझसे बात करके अपना मन हल्का करना चाहता है, किंतु मैंने ऐसी संभावना से बचने का यत्न किया और तब सिल्वियो ने भी ऐसी कोशिश करना छोड़ दिया। तब से मैं केवल अपने साथियों की उपस्थिति में ही उससे मिलता जुलता और हमारे बीच पहले की भांति खुलकर बातचीत न होती। राजधानी के जीवन की हड़बड़ी के आदि लोग कभी उन अनेक अनुभूतियों की उत्तेजना से परिचित नहीं हो सकते जिन्हें गांवों या बस्ती कस्बों के लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए डाक के दिन की प्रतीक्षा को ही लिया जा सकता है। मंगल और शुक्रवार को हमारी रेजिमेंट के दफ्तर में अफसरों की भीड़ लगी रहती थी। कोई पैसों की राह देखता, कोई पत्रों की और कोई अखबारों की। बंडलों पैकेटों को आमतौर पर वहीं खोला जाता, एक दूसरे को खबरें सुनाई जातीं
और इस तरह दफ्तर में बड़ी रौनक रहती। सिल्वियो के पत्र भी हमारी रेजिमेंट के पते पर आते और वह भी सामान्यतः यहीं उपस्थित रहता। एक दिन उसके नाम एक पैकेट आया और उसने बड़ी बेसब्री से उसे खोला। खत पर उसने जल्दी जल्दी नजर डाली और उसकी आंखें चमक गई। अपने अपने पत्र पढ़ने में व्यस्त अफसरों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। महानुभावों, सिल्वियो ने उन्हें संबोधित किया, परिस्थितियां ऐसी मांग करती हैं कि मैं तत्काल यहां से चल दूं, इसलिए मैं आज रात को ही रवाना हो जाऊंगा। आशा करता हूं कि आज शाम को आखिरी बार मेरे साथ भोजन करने का अनुरोध आप अस्वीकार नहीं करेंगे। आपकी भी प्रतीक्षा रहेगी मुझे, उसने मुझसे कहा, अवश्य ही आइएगा। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया और हम लोग सिल्वियो के यहाँ मिलने की बात तय करके अपने अपने रास्ते चले गए। मैं नियत समय पर सिल्वियो के यहाँ पहुंचा और रेजिमेंट के लगभग सभी अफसरों को वहां पाया। उसका सारा सामान बंधा हुआ था और गोलियों से छलनी हुई नंगी दीवारों के सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम लोग खाने की मेज के गिर्द बैठ गए। मेजबान बड़े रंग में था और जल्द ही हम सब भी उसके रंग में बह गए। शैंपेन की बोतलें फटाके के साथ लगातार खुलती जाती थी। सू सू करती और फेन उगलती शैंपेन गिलासों में डाली जाती तथा हम जाने वाले के लिए खूब बढ़ चढ़ कर शुभ यात्रा और सभी तरह की सफलताओं की कामना करते। शाम को काफी देर से हम मेज पर से उठे। सभी लोग अपनी फौजी टोपियां पहन पहन कर उससे विदा लेने और जाने लगे। जब मैं चलने को तैयार हुआ तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं रुक गया। मेहमान चले गए, हम दोनों ही रह गए। एक दूसरे के सामने बैठ गए और अपने अपने पाइप से धुआं उड़ाने लगे। सिल्वियो विचारों में डूबा हुआ था और कुछ ही देर पहले की खुशी और मस्ती का चिन्ह तक भी उसके चेहरे पर नहीं रहा था। उदासी में डूबा पीला चेहरा, चमकती आंखें और मुंह से निकलता हुआ घना धुआं, यह सब कुछ उसे शैतान सा बना रहा था। चंद क्षण बीत जाने पर सिल्वियो ने खामोशी तोड़ी। बहुत मुमकिन है कि हमारी फिर कभी मुलाकात ना हो, उसने मुझसे कहा। जुदा होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने शायद इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस चीज की खास परवाह नहीं करता, किंतु मैं आपको चाहता हूँ और आपके दिमाग में यदि मेरे बारे में कोई गलत धारणा जड़ जमाए रहेगी तो मेरे मन पर एक बोझ सा बना रहेगा। वह रुका और पाइप में तंबाकू भरने लगा। मैं नजर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। आपको यह अजीब सा लगा होगा, उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, कि मैंने उस झक्की शराबी से बदला लेकर अपना जी ठंडा करने की मांग क्यों नहीं की। आपको मानना पड़ेगा कि पहले गोली चलाने का हक मेरा था और इसलिए उसकी जान मेरी मुट्ठी में बंद थी, जबकि मेरी जान के लिए लगभग कोई खतरा नहीं था। अपने ऐसे संयत व्यवहार को मैं अपनी उदारता भी कह सकता था, मगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल खतरे में ना डाले बिना उसको सजा दे सकता तो मैंने किसी भी हालत में उसे माफ ना किया होता। मैं बड़े आश्चर्य से सिल्वियो को देख रहा था। उसकी ऐसी आत्मस्वीकृति से मैं स्तंभित रह गया था। सिल्वियो कहता गया, बिल्कुल यही बात है, मुझे अपनी जान को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है। 6 साल पहले किसी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था और मेरा वह शत्रु अभी तक जीवित है। मेरी उत्सुकता की अब कोई सीमा नहीं थी। आपने उससे द्वंद्व युद्ध नहीं किया, मैंने पूछा। शायद किन्हीं परिस्थितियों के कारण आपका उससे आमना सामना नहीं हो सका। मैंने उससे द्वंद्व युद्ध किया था, सिल्वियो ने जवाब दिया, और हमारे द्वंद्व युद्ध की निशानी भी मेरे पास है। सिल्वियो उठा और उसने गत्ते के डिब्बे में से सुनहरे गुच्छे और फीते वाली लाल टोपी निकाली और उसे सिर पर पहन लिया। वह माथे से तनिक ऊपर गोली से छिदी हुई थी। यह तो आपको मालूम ही है, उसने अपनी बात जारी रखी, कि मैं हुस्सारों की रेजिमेंट में काम करता हूँ। मेरे स्वभाव से भी आप परिचित हैं। सबसे आगे रहना मेरी आदत है और चढ़ती जवानी के दिनों में तो यह मेरे लिए जुनून ही था। हमारे जमाने में हुल्लड़बाजी का फैशन था और मैं इस काम में सेना में सबका गुरु था।
कौन ज्यादा शराब पी सकता है इस बात की हम डींगे हाका करते थे। और एक बार तो मैंने विख्यात बुत्सरोव से भी, जिसे कवि देनिस दवीदोव ने अपनी रचनाओं में अमर कर दिया है, बाजी मार ली थी। हमारे रेजिमेंट में द्वंद्व युद्ध तो हर दिन ही होते थे और मैं उन सब में या तो साक्षी होता या खुद हिस्सा लेता। साथी तो मुझे पूजते थे और निरंतर बदलते रहने वाले रेजिमेंट कमांडरों के लिए मैं हमेशा सिर पर बनी रहने वाली मुसीबत था। मैं बड़े चैन से या बेचैनी से अपनी ख्याति का मजा ले रहा था कि तभी एक धनी और जाने माने परिवार, मैं उसका कुल नाम नहीं बताना चाहता हूँ, का नौजवान अफसर हमारी रेजिमेंट में आया। अपने जीवन में कभी ऐसा तकदीर का सिकंदर और इतना होनहार आदमी मैंने नहीं देखा। जरा कल्पना कीजिए, जवानी की मस्ती, समझबूझ, रूप का जादू, खुशी से उमड़ता दिल, खतरे से आंख मिलाने वाली दिलेरी, गूंजता हुआ कुल नाम, बेहिसाब और कभी न खत्म होने वाला पैसा। आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि कैसा असर डाला होगा उसने हम सब पर। मेरा सिंहासन डोल उठा। मेरी ख्याति से मेरी ओर खिंचकर पहले तो उसने मेरे साथ दोस्ती करनी चाही, किंतु मैंने उसे सीधा मुंह ना दिया। उसने किसी प्रकार के अफसोस के बिना मुझसे किनारा कर लिया। मैं उससे नफरत करता था। रेजिमेंट और औरतों के बीच उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से मैं बिल्कुल जल भुन गया था। मैं उससे झगड़ा मोल लेने के मौके ढूंढने लगा। मैं उस पर कोई फब्ती कसता तो वह भी वैसा ही करता, और मुझे उसकी फब्ती हमेशा अपने से ज्यादा तीखी और नई प्रतीत होती, और मनोरंजक तो वे निश्चय ही मुझसे अधिक होती। वह मजाक करता और मैं जहर उगलता। आखिर एक पोलैंडी जमींदार के घर दावत के समय उसे सभी नारियों और विशेषकर गृह स्वामिनी के भी गले का हार बना देखकर, जिसके साथ मेरा अपना भी प्रेम नाटक चल रहा था, मैंने उसके कान में कोई भत्ती सी बात कह दी। उसने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया। हमने म्यान से तलवारें खींच ली, महिलाएं बेहोश हो गई और हम दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया। हमने उसी रात को द्वंद्व युद्ध के लिए एक दूसरे को ललकारा। पोप हटने वाली थी। मैं 3 साक्षियों को साथ लिए हुए नियत स्थान पर खड़ा था। ऐसी बेसब्री से मैं अपने प्रतिद्वंदी की राह देख रहा था कि बयान के बाहर बसंत के दिनों का सूरज निकल आया था और कुछ कुछ गर्मी भी हो रही थी। मैंने उसे दूर से आते देखा। वह पैदल आ रहा था, अपनी फौजी कमीज को तलवार की नोक पर टांगे हुए था, और सिर्फ एक गवाह उसके साथ था। हम उसकी ओर बढ़े। वह चेरियों से भरी हुई टोपी हाथ में लिए हुए हमारे निकट आया। गवाहों ने हमें 12 कदमों की दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। मुझे पहले गोली दागनी थी, किंतु मैं गुस्से से ऐसे आग बबूला हो रहा था कि गोली चलाते वक्त मेरा हाथ नहीं डोलेगा, मुझे इसका विश्वास नहीं था। इसलिए अपने को शांत करने के ख्याल से मैंने उसे पहले गोली चलाने का अधिकार देना चाहा, किंतु मेरा प्रतिद्वंदी इसके लिए राजी नहीं हुआ। चुनांचे सिक्का उछालकर बारी तय की गई। जन्म से ही तकदीर के उस सिकंदर को पहले गोली चलाने का हक मिला। उसने गोली चलाई और वह मेरी टोपी को छेदती हुई निकल गई। अब मेरी बारी थी। आखिर तो उसकी जिंदगी पूरी तरह मेरी मुट्ठी में थी। मैंने यह जानने की कोशिश करते हुए बहुत गौर से उसको देखा कि उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान भी है या नहीं। वह पिस्तौल के निशाने के सामने खड़ा था, टोपी में से चुन चुनकर पकी हुई चेरियां खा रहा था और गुठलियां थूकता जाता था जो मुझ तक पहुंच रही थी। उसकी ऐसी लापरवाही से मैं बौखला उठा। मैंने सोचा कि ऐसे आदमी की जान लेने से भला क्या फायदा जो उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। एक क्रूर विचार मेरे मस्तिष्क में कोंद गया। मैंने पिस्तौल नीचे कर ली। मुझे लगता है कि इस समय आपको मौत से कोई मतलब नहीं, मैंने उससे कहा। आप अपना नाश्ता करने में मस्त हैं, मैं आपके इस मजे में खलल नहीं डालना चाहता। आपके ऐसा करने से जरा भी खलल नहीं पड़ेगा, उसने मेरी बात काटी। गोली चलाइए, वैसे आपकी मर्जी, मुझ पर गोली चलाने का आपका यह हक हमेशा बना रहेगा। आप जब चाहेंगे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैंने साक्षियों से कहा
कि इस समय गोली नहीं चलाना चाहता और द्वंद्व युद्ध यहीं खत्म हो गया। मैं सेना से मुक्त होकर एक छोटी सी जगह पर आ बसा। तब से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि उससे बदला लेने का ख्याल मेरे दिमाग में ना आया हो। अब वह घड़ी आ गई है। इतना कहकर सिल्वियो ने अपनी जेब से उसी सुबह को उसे प्राप्त हुआ एक पत्र निकाला और मुझे पढ़ने को दिया। मास्को से किसी ने, संभवतः उसके वकील ने, उसे सूचित किया था कि अमुक व्यक्ति शीघ्र ही एक सुंदर युवती से विवाह करने वाला है। आपने अनुमान लगा लिया होगा, सिल्वियो ने कहा, कि अमुक व्यक्ति कौन है। मैं मास्को जा रहा हूँ। देखेंगे कि शादी से पहले भी वह उसी तरह मौत का सामना करेगा या नहीं, जैसे कभी चेरियां खाते हुए उसने किया था। इन शब्दों के साथ ही सिल्वियो उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी टोपी फर्श पर फेंक दी और पिंजरे में बंद शेर की तरह कमरे में इधर उधर आने जाने लगा। मैं बुत बना सा उसकी बातें सुनता रहा था। अजीब और एक दूसरे की प्रतिकूल भावनाएं मेरे मन को विहल कर रही थी। नौकर ने कमरे में आकर बताया कि घोड़े जुत गए हैं। सिल्वियो ने बहुत स्नेहपूर्वक मुझसे हाथ मिलाया और हमने एक दूसरे को चूमा। वह घोड़ा गाड़ी में जा बैठा जिसमें दो सूटकेस रखे हुए थे, एक में पिस्तौलें थी और दूसरे में उसका निजी सामान। हमने एक बार फिर एक दूसरे से विदा ली और घोड़े सरपट दौड़ने लगे। कई साल बीत गए और घरेलू परिस्थितियों से मजबूर होकर मैं जिले के एक गरीब गांव में बस गया। जागीर की देखभाल करता, किंतु पहले की मस्त और हंगामों से भरी हुई अपनी जिंदगी को याद करके दबी घुटी टीस अनुभव किए बिना ना रह पाता। निपट एकाकीपन में पतझर और जाड़े की शामें बिताने का आदि हो पाना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। दोपहर के खाने तक तो मैं किसी तरह वक्त बिता लेता, मुखिया से बातें करता, कामकाज से घोड़ा गाड़ी में इधर उधर आता जाता, नए धंधों को देखने के लिए चक्कर लगाता, किंतु जैसे ही झुटपुटा होने लगता मेरी समझ में यह न आता कि मैं क्या करूं। अलमारियों के नीचे और सामान के कमरे में मुझे जो थोड़ी सी किताबें मिली थी वे तो बार बार पढ़ने से मुझे जबानी याद हो गई थी। भंडारिन किरिलोवना को जितने भी किस्से कहानी याद थे उन्हें वह दसियों बार सुना चुकी थी और देहाती औरतों के गीतों गानों से मैं गहरी उदासी में डूब जाता था। मैंने शराब का सहारा लेना चाहा, किंतु इससे मेरे सिर में दर्द होने लगता था। इसके अलावा मुझे यह भी मानना चाहिए कि ऊब के कारण कहीं शराबी ना बन जाऊं, मैं इस चीज से भी डरता था। मेरा मतलब ऐसे गए बीते शराबियों से था जिनकी बहुत सी मिसालें हमारे इलाके में मौजूद थीं। इसी तरह के दो तीन गए बीते पियक्कड़ों के अलावा मेरे कोई अन्य पड़ोसी नहीं थे और उनकी बातचीत का ज्यादा हिस्सा हिचकियां लेने और आहें भरने में ही गुजरता था। इनकी संगत से तो अकेले रहना ही कहीं बेहतर था। मेरे यहाँ से चार विस्तरा यानी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर काउंटेस की संपन्न जागीर थी, किंतु वहां केवल कारिंदा ही रहता था और काउंटेस तो अपनी शादी के पहले साल सिर्फ एक बार ही जागीर पर आई थी और सो भी एक महीने से अधिक वहां नहीं रही थी। ऐसा होते हुए भी मेरे एकाकीपन के दूसरे वसंत में यह अफवाह फैली कि काउंटेस अपने पति के साथ पूरी गर्मी के लिए गांव आने वाली है। वास्तव में ही जून महीने के शुरू में वे गांव में आ गए। धनी पड़ोसी का आगमन गांववासियों के लिए एक युगांतरकारी घटना होता है। जमींदार और उसके घर बार के लोग ऐसे पड़ोसी के आने के 2 महीने पहले से और जाने के 3 साल बाद तक इसकी चर्चा करते रहते हैं। जहां तक मेरा संबंध है तो मैं खुलकर मानता हूं कि जवान और खूबसूरत पड़ोसन के आने की खबर ने मेरे दिल में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। मैं बड़ी बेचैनी से उसे देख पाने का इंतजार करने लगा और इसलिए उसके आने के पहले ही इतवार को दोपहर का खाना खाने के बाद गांव की ओर रवाना हो गया, ताकि निकटतम पड़ोसी और विनम्र सेवक के रूप में अपने को उनके सामने पेश कर सकूं। नौकर ने मुझे काउंट के अध्ययन कक्ष में ले जाकर बिठा दिया और स्वयं मेरे बारे में सूचना देने के लिए अंदर चला गया। बड़ा सा कमरा खूब बढ़िया ढंग से सजा हुआ था। दीवारों के करीब किताबों से भरी अलमारियां रखी थी। हर अलमारी पर कांसे की मूर्ति सजी थी।
संगमरमर के आतिशदान के ऊपर खासा बड़ा दर्पण टंगा था। हरे रंग की बनात से मढ़े हुए फर्श पर कालीन बिछे थे। अपने गरीबी के वातावरण में रहते हुए मैं इस तरह के ठाट बाट का आदि नहीं रहा था। बहुत समय से मैंने पराई दौलत का ऐसा रंग भी नहीं देखा था, इसलिए मैं कुछ सहम सा गया और ऐसे धड़कते दिल से काउंट की राह देखने लगा जैसे किसी छोटे से नगर से आने वाला प्रार्थी मंत्री के बाहर निकलने का इंतजार करता है। दरवाजा खुला और कोई 32 साल का सुंदर पुरुष कमरे में दाखिल हुआ। काउंट अपनत्व और मैत्री का भाव लिए मेरे निकट आया। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और अपना परिचय देना चाहा, किंतु इसी बीच उसने अपना परिचय दे दिया। हम दोनों बैठ गए। उसके बातचीत के सहज और स्नेहपूर्ण अंदाज से एकाकी जीवन बिताने के कारण मुझमें पैदा हुई झेप शीघ्र ही दूर हो गई और मैं अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में आने लगा कि काउंटेस ने कमरे में प्रवेश किया और पहले से भी कहीं अधिक घबराहट ने मुझे दबोच लिया। वह तो सचमुच ही बड़ी सुंदर थी, काउंट ने मेरा परिचय दिया। मैंने पहले तो बेतकल्लुफी जाहिर करनी चाही, लेकिन मैं बेतकल्लुफी का जितना अधिक ढोंग करता था उतना ही ज्यादा अटपटापन महसूस करता था। मेरे साथ किसी प्रकार की औपचारिकता न बरतते और अच्छे पड़ोसी का सा व्यवहार करते हुए उन्होंने मुझे संभलने और नए परिचय का अभ्यस्त होने का समय देने के लिए आपस में बातचीत शुरू कर दी। इसी बीच मैं किताबों और तस्वीरों पर नजर दौड़ाने लगा। तस्वीरों की मुझे कोई खास जानकारी हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तस्वीर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसमें स्विट्जरलैंड का कोई दृश्य अंकित था, पर मुझे चित्र ने नहीं बल्कि इस बात ने आश्चर्यचकित किया कि वह एक के ऊपर एक दो गोलियों से छिदा हुआ था। ये हुआ ना बढ़िया निशाना, मैंने काउंट को संबोधित करते हुए कहा। हाँ, बहुत बढ़िया निशाना है, उसने जवाब दिया। आप भी अच्छे निशानेबाज हैं क्या, काउंट ने पूछा। हाँ, कुछ बुरा नहीं, मैंने इस बात से खुश होते हुए कि बातचीत का सिलसिला आखिर तो मेरे मनपसंद विषय की ओर मुड़ गया, उत्तर दिया। 30 कदम की दूरी से तो ताश के पत्ते के बिंदु को छेद डालूंगा। जाहिर है कि ऐसी पिस्तौल से जिस पर मेरा हाथ सदा हुआ हो। सच, काउंटेस ने बड़ी गंभीरता से जानना चाहा और फिर पति से पूछा, मेरे प्यारे, क्या तुम भी 30 कदम की दूरी से ऐसा निशाना लगा सकते हो? कभी आजमा कर देखेंगे, काउंट ने जवाब दिया। अपने जमाने में मैं भी कुछ बुरा निशानेबाज नहीं था, लेकिन अब तो पिछले 4 साल से कभी पिस्तौल हाथ में नहीं ली। ओ, तब तो मैं शर्त लगाकर ये कह सकता हूँ कि हुजूर 20 कदम की दूरी से भी ताश के पत्ते को नहीं छेद सकेंगे। पिस्तौल तो इस बात की मांग करती है कि हर दिन उससे अभ्यास किया जाए। मैं अपने तजर्बे से ये बात कह रहा हूँ। अपनी रेजिमेंट में मुझे एक बहुत अच्छा निशानेबाज माना जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे 1 महीने तक मैं पिस्तौल हाथ में नहीं ले पाया। मेरी पिस्तौलें मरम्मत के लिए गई हुई थी। जानते हैं हुजूर कि इसका क्या नतीजा निकला? इसके बाद जब मैंने पहली बार निशानेबाजी शुरू की तो 25 कदम की दूरी से ही मैं लगातार 4 बार बोतल का निशाना भी ना साध सका। बड़ी फड़कती हुई बात कहने और चुटकियां लेने वाला हमारा कप्तान वहां मौजूद था। वह बोला, मेरे भाई, बात साफ है, तुम्हें बोतल से इतना लगाव है कि उस पर गोली नहीं चला पाते। नहीं हुजूर, निशानेबाजी का अभ्यास तो लगातार करते रहना चाहिए, नहीं तो मामला चौपट हो जाएगा। अपनी जिंदगी में जिस सबसे अच्छे निशानेबाज से मेरा वास्ता पड़ा वह दोपहर के खाने के पहले कम से कम 3 गोलियां हर रोज चलाता था। उसके लिए यह वैसा ही नियम था जैसे खाने के पहले वोदका का जाम। काउंट और काउंटेस इस बात से खुश थे कि मैं झेप मुक्त होकर बातचीत करने लगा था। किस तरह की निशानेबाजी करता था वो? किस तरह की? कभी कभी ऐसा होता था हुजूर कि वह किसी मक्खी को दीवार पर बैठे देखता। आप हंस रही हैं काउंटेस? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये बिल्कुल सच बात है। वह मक्खी को देखता और नौकर को पुकारता, कूजका, मेरी पिस्तौल लाओ। कूजका भरी हुई पिस्तौल लाता, वह गोली दागता और मक्खी का दीवार पर ही भुरकस हो जाता। यह तो कमाल की बात है,
काउंट ने कहा, उसका नाम क्या था? सिल्वियो हुजूर। सिल्वियो? अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा होता हुआ काउंट चिल्ला उठा, आप सिल्वियो को जानते हैं? जानता कैसे नहीं था हुजूर, हम तो अच्छे दोस्त थे। हमारे रेजिमेंट में उसे अपना साथी बंधु ही माना जाता था। अब पिछले 5 साल से तो मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। तो हुजूर मतलब ये हुआ कि आप भी उसे जानते थे? जानता था, खूब अच्छी तरह से जानता था। उसने आपको कभी यह नहीं बताया था? लेकिन नहीं, शायद ही उसने ऐसा किया हो। उसने आपको एक बहुत ही अजीब किस्सा नहीं सुनाया था? बॉल नृत्य के वक्त किसी छैले ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था, कहीं यही तो नहीं हुजूर? उसने आपको उस छैले का नाम बताया था? नहीं हुजूर, नाम तो नहीं बताया। ओह हुजूर, मामले की तह में छिपी सच्चाई का अनुमान लगाते हुए मैं कहता गया, माफी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता था, कहीं आप ही तो वो नहीं हैं? हाँ, वो मैं ही हूँ, काउंट ने बड़ी खिन्नता से उत्तर दिया। और गोली से छिदी हुई यह तस्वीर हमारी आखिरी मुलाकात की निशानी है। ओह मेरे प्यारे, काउंटेस ने कहा, भगवान के लिए यह किस्सा नहीं सुनाओ, उसे सुनते हुए मेरा दिल कांपने लगता है। नहीं, काउंट ने काउंटेस की बात काटी, मैं सब कुछ बताऊंगा। इन्हें यह मालूम है कि कैसे मैंने इनके दोस्त की बेइज्जती की थी। अब इन्हें यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि सिल्वियो ने किस तरह मुझसे इसका बदला लिया। काउंट ने एक आराम कुर्सी मेरी ओर बढ़ा दी और मैंने बड़ी उत्सुकता से यह कहानी सुनी। 5 साल पहले मैंने शादी की थी। पहला महीना, द हनीमून, यानी मधुमास, मैंने यहाँ इस गांव में बिताया। मेरे जीवन के मधुरतम क्षण और एक बहुत ही कटु स्मृति इस घर के साथ जुड़ी हुई है। एक शाम को हम दोनों एक साथ घुड़सवारी के लिए निकले। मेरी पत्नी का घोड़ा कुछ अड़ने और बिदकने लगा। यह डर गई, इसने घोड़े की लगामें मुझे दे दी और पैदल ही घर को चली। मैं अपने घोड़े पर ही आगे आगे बढ़ चला। अहाते में मुझे एक घोड़ा गाड़ी खड़ी दिखाई दी। मुझे बताया गया कि मेरे अध्ययन कक्ष में एक व्यक्ति बैठा है जो अपना नाम नहीं बताना चाहता, किंतु जिसने सिर्फ इतना ही कहा है कि उसे मुझसे कुछ काम है। मैं कमरे में गया और वहां अंधेरे में धूल से लथपथ और बढ़ी हुई दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को अपने सामने पाया। वो यहाँ आतिशदान के करीब खड़ा था। उसके चेहरे मोहरे को पहचानने की कोशिश करते हुए मैं उसके निकट गया। काउंट, तुमने मुझे नहीं पहचाना? उसने कांपती सी आवाज में पूछा। सिल्वियो? मैं कह उठा, और स्वीकार करता हूँ, मैंने अनुभव किया कि कैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, मैं वही हूँ, उसने जवाब दिया। मैं अपना हिसाब चुकाने आया हूँ। मुझे अपनी पिस्तौल को गोली से मुक्त करना है, तुम तैयार हो? उसकी बगल वाली जेब में पिस्तौल दिखाई दे रही थी। मैंने 12 डग भरे और वहां कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैंने उससे अनुरोध किया कि वह झटपट मेरी पत्नी के लौटने से पहले ही गोली चला दे, किंतु उसने जल्दी नहीं की। रोशनी लाने के लिए कहा। मोमबत्तियां जला दी गई। मैंने दरवाजे को ताला लगा दिया, किसी के भी भीतर आने की कड़ी मनाही कर दी, फिर उससे गोली चलाने का अनुरोध किया। उसने पिस्तौल निकालकर निशाना साधा। मैं हर क्षण गिन रहा था, अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। बहुत ही भयानक एक मिनट बीता। सिल्वियो ने हाथ नीचे कर लिया। बड़े दुख की बात है, उसने कहा, कि पिस्तौल में चेरियों की गुठलियां नहीं भरी हैं। गोली बहुत भारी है। मुझे लग रहा है कि यह द्वंद्व युद्ध नहीं है, बल्कि मैं आपकी हत्या कर रहा हूं। निहत्थे पर निशाना साधने की मुझे आदत नहीं। हम फिर से शुरू करते हैं, पर्चियां डाल लेते हैं कि कौन पहले गोली चलाएगा। मेरा सिर चकरा रहा था। जहां तक मुझे याद है, मैं राजी नहीं हुआ। आखिर हमने एक अन्य पिस्तौल में गोली भरी और 2 पर्चियों की गोलियां सी बनाई। उसने उन्हें उसी टोपी में डाल दिया जिसे मैंने कभी छेद डाला था। फिर से मुझे ही पहले गोली चलाने का अधिकार मिल गया। काउंट, तुम तकदीर के बड़े सिकंदर हो, उसने ऐसी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लिए यह समझ पाना कठिन है कि उस समय मुझे क्या हो गया था
और कैसे मैं यह सब करने को विवश हो गया था। किंतु मैंने गोली चलाई और वह इस तस्वीर में जा लगी। काउंट ने गोलियों से छीदे चित्र की ओर उंगली से इशारा किया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। काउंटेस के चेहरे का रंग उसके दुपट्टे से भी अधिक सफेद पड़ गया था और मैं स्तंभित सा होकर चीखे बिना न रह सका। मैंने गोली चलाई, काउंट ने अपनी बात जारी रखी, और भला हो भगवान का कि मेरा निशाना चूक गया। तब सिल्वियो मेरी ओर निशाना साधने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया। माशा भागती हुई अंदर आई और चीख मार कर मेरे गले से लिपट गई। इसके आने से मैं फौरन संभल गया। मेरी प्यारी, मैंने पत्नी से कहा, क्या तुम देख नहीं रही हो कि हम यूं ही मजाक कर रहे हैं? देखो तो तुम कैसे सहम गई हो। जाओ, पानी का एक गिलास पीकर वापस आ जाओ। मैं अपने पुराने दोस्त और साथी से तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। माशा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह बताइए कि मेरे पति सच कह रहे हैं ना? माशा ने रुद्र रूप धारण किए सिल्वियो को संबोधित करते हुए पूछा, क्या यह सच है कि आप दोनों मजाक कर रहे हैं? यह तो हमेशा मजाक करते हैं काउंटेस, सिल्वियो ने माशा को उत्तर दिया। एक बार मजाक में ही इन्होंने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था, मजाक करते हुए ही मेरी इस टोपी को छेद डाला था, मजाक में ही अभी मुझ पर चलाई गई गोली का निशाना चूक गया। अब मैं मजाक करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने मुझ पर निशाना साधना चाहा, पत्नी के सामने ही। माशा उसके कदमों पर जा गिरी। माशा उठो, कुछ शर्म करो, मैं पागलों की तरह चिल्ला उठा। और आप महानुभाव, इस बेचारी औरत से खिलवाड़ करना बंद करेंगे या नहीं? गोली चलाएंगे या नहीं? नहीं चलाऊंगा, सिल्वियो ने जवाब दिया। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने तुम्हें घबराए और सहमे हुए देख लिया, तुम्हें अपने पर गोली चलाने को मजबूर कर दिया। मेरे लिए इतना ही काफी है, याद रखोगे मुझे। अब तुम जानो और तुम्हारी आत्मा। इतना कहकर वह बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे के पास रुका। उसने उस चित्र की ओर देखा जिसे मैंने छेद डाला था। लगभग निशाना साधे बिना ही उसने उस पर गोली चलाई और गायब हो गया। मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। नौकरों चाकरों को उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई, वे सब भयभीत से उसे देखते रहे। बाहर जाकर उसने अपने कोचवान को पुकारा और मेरे संभल पाने से पहले ही गायब हो गया। काउंट ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। इस तरह मुझे उस कहानी के अंत का पता चला जिसके आरंभ ने कभी मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसके नायक से मेरी फिर कभी भेंट नहीं हुई।